हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक शेयर जो कि 83% जंप मारी है उसने आज के दिन में, 83%। तो वो क्या हुआ, कैसे 83% जंप मारी, ओके कौन सा शेयर है, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें निकल जाना चाहिए, कहीं ऑपरेटर उससे एक साथ खेल तो नहीं रहे, तो इसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा। और अगर आप श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आप सभी को पता है, यहाँ क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहिए आप देना चाह सकते हैं तो दे सकते हैं। एज वेल एज बात करें HDFC लाइफ के रिजल्ट आ गए हैं, शेयर में देखिए उछाल भी हुई है, क्या हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इंट्रेंसिक वैल्यू अगर बात करें 1044 रुपये है, 700 रुपये पर शेयर चल रहा है, तो 350 रुपये के अपसाइड मूव्स मुझे तो एटलीस्ट दिख रहे हैं, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। तो जिस वीडियो से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये शेयर 47.80 रुपीज़, मतलब अगर बात करें 83% के आज की डेट में जंप, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 रुपीज़ का जंप यहाँ पर देखा गया है, मतलब शेयर 26 रुपये पहले क्लोज हुआ था, ओके, और आज के दिन में जो अब भागा है, मतलब 83% की यहाँ पर जंप देखी गई है। तो क्या रीज़न है, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 52 वीक लो 14 रुपये का 8 जून को था, ओके, अगर अब आज की डेट की बात करें 26 अप्रैल को लगभग 48 रुपये का ये शेयर हो चुका है। क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए 15%, पब्लिक की होल्डिंग देख लीजिए 84% की होल्डिंग है, तो कुछ ना कुछ आपको शायद गड़बड़ी लग रही है या नहीं लग रही, वो आपको मैं बता दूंगा। तो अगर हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं शेयर किस तरीके से ऊपर जाके फिर यहाँ पर नीचे जाता हुआ हमें दिखाई दिया है, आपके सामने है चार्ट पैटर्न। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? नो, मैं हमेशा बताता हूँ जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ जा रहा हो, ओके, आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि ऊपर हरे में जाता हुआ दिखाई दिए, थोड़े थोड़ा जाता रहे, बट जो एकदम ऊपर चल रहा हो और ऊपर से एक साथ क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद वो इस तरीके से एक साथ जंप लगाए कि 83 रुपीज़ पे 83% का जंप दे दे, ओके, ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। और मैं बताना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर शेयर में ऑपरेटर अब खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो खेल भी रहे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जिस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज, जिसे आप जानते हैं CCD के नाम से, कैफे कॉफ़ी डे। आपको पता भी होगा इनके ऑनर थे, आई थिंक उन्होंने कुछ टाइम पहले सुसाइड भी करी थी, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, आपने न्यूज़ सुनी थी या नहीं सुनी थी आई डोंट नो, बट उन्होंने सुसाइड करी थी जो हम देखी जाए। तो अगर बात करें क्या क्यों किस वजह से कि ये शेयर आज के दिन में 83% का जंप दिखाई दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर न्यूज़ है कुछ, यहाँ पर देख लीजिए, इसे कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, गॉट लिस्टेड मंडे 48, मतलब गॉट लिस्टेड मंडे का मतलब क्या है, आपको ताज्जुब बोल रहा होगा कि चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर दे रखा है 4-5 साल पहले का, और ये दिखा रहा है गॉट लिस्टेड ऑन मंडे, मतलब आज के दिन लिस्ट हुआ है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये फरवरी 2020 अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आसपास आएगा, तो तब से ना ये बैन हुआ पड़ा है, ये शेयर बैन हुआ पड़ा है, सेबी ने इसे बैन कर दिया है ट्रेडिंग के लिए। क्यों बैन कर दिया है, इसके पीछे रीजन था कि इन्होंने अपने क्यों कुछ 3-4 क्वार्टर के रिजल्ट नहीं पेश करे थे, ओके, जो कि सेबी के रूल्स का अगेंस्ट जा रहा था। सेबी ने कुछ उसने सेबी ने उसके ऊपर कुछ बैन लगाए थे, सेबी ने उसके कुछ फी मतलब कहते हैं ना फाइन लगाया था, उस फाइन को भी ये पे नहीं किया कर पाए, बैंकों से इन्होंने फ्रॉड किया, तो जिस वजह से यहाँ पर ट्रेडिंग रुक गई थी। और अगर बात करें यहाँ पर इस शेयर की, तो यहाँ पर ये शेयर में ट्रेडिंग बंद करी गई, बट आज के दिन में ये ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई, और तो ट्रेडिंग जब दोबारा शुरू हुई तो आप देख सकते हैं लगभग 83% का यहाँ पर जंप होता हुआ हमें दिखाई दिया। बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा था कि इसे दूर रहो, बट स्टिल कम यहाँ पर शेयर 83% तक भागता हुआ नजर आया, और लगभग 48.5 पे पैसे ये NSE पे और BSE पे लगभग 50 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दिया, ओके। यहाँ देख सकते हैं एट दैट टाइम द स्टॉक प्राइस वाज, मतलब ये जब की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या हुआ था, सेबी ने बैन लगाया था, इस वजह से ये दोबारा रीलिस्ट हुई है, ये कंपनी दोबारा रीलिस्ट होती हुई हमें नजर आई है, इसलिए यहाँ पर भागती हुई नजर आई है। अब क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसका आंसर है सिंपल नो। क्यों है इसका नो आंसर, तो इसके कुछ पैरामीटर आपको दिखाना चाहता हूँ।
कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, कम इन्वेस्ट करते हैं बट इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखिए डेट डेट तो 51% का डेट है, बट अगर बात करें प्लेजिंग, सबसे मेन है प्लेजिंग, प्लेजिंग है 52.6%, मगर 18% के शेयर इस कंपनी के शेयर होल्डर के पास है, जिनमें से अगर बात करें 52% यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% के शेयर होल्डर प्रोमोटर्स के पास है, और अगर बात करें यहाँ पर प्लेजिंग कितनी है उसमें से भी 52% शेयर इन्होंने प्लेस कर रखा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 25 रुपये, ऐसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा, ऐसे ऐसे शेयर के साथ ऑपरेटर हावी हो जाते हैं, अपर सर्किट लगाते जाते हैं और फिर लोअर सर्किट, यहाँ देख सकते हैं लोअर सर्किट लग रहा था फिर उसके बाद अपर सर्किट लगना शुरू हो गया, ओके, और जो कि आगे कंटिन्यू मुझे लगता है कि आगे होता हुआ दिखाई देगा, तो ताज्जुब नहीं होगा। सेल्स की बात कर लेते हैं, सेल्स देखिए कहाँ सेल्स, 1130 करोड़ रुपये की सेल्स थी मार्च 2018 में, और अगर बात करें यहाँ पर अभी की तो कम मतलब डिक्रीज, हम कहते हैं हमेशा इंक्रीज होगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। प्रॉफिट देख लीजिए, 35 करोड़ का प्रॉफिट 2 साल के अंदर माइनस में आ गया है, एज वेल एज अगर ईयरली बेसिस पे बात करें 10 साल पहले 718 करोड़ रुपये का यहाँ पर सेल्स हुआ करती थी, ओके, बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4000 करोड़ रुपये तक सेल्स थी, बट 1-2 साल में इसकी मिट्टी पलीत हो गई है शेयर की, और यहाँ पर अभी देखिए 1200 करोड़ रुपये का यहाँ पर रेवेन्यू होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयरली बेस पे 252 करोड़ रुपये का, बट स्टिल बहुत सारे इसने डिफॉल्ट करे बैंक के साथ, तो बेफालतू में इन्वेस्ट करके बिल्कुल मत फंसिएगा। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, बोरिंग देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग भी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 453 करोड़ रुपये के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी है। कैश की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैश 106 करोड़ रुपये का कंपनी के पास कैश भी है, और अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो देखिए कंपनी हर महीने ईयरली बेस पे देखिए 300 से 400 करोड़ रुपये 500 करोड़ रुपये तो केवल इंटरेस्ट पे करती आ रही है, तो ऐसी कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है क्या आपको प्रॉफिट देगी? बिल्कुल नहीं दे सकती, तो इसे भूल जाइए। प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए 15% घटती हुई नजर आ रही है, और जिसमें से 50% 52% प्लेस कर रखा है। FIs की बात करें, FIs 3.75% है, वो भी फंसे हुए हैं, मेरे को लगता है कि वो जैसे ही शेयर बढ़ेगा तो ये निकल जाएंगे। DIS की बात करें 5.32, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 75% की शेयर होल्डिंग है, यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग लोगों के पास अलग अलग होल्डिंग है, बट आप लोगों को रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं फंसना है इस जाल में, ओके, ये माया जाल है, इसमें ऑपरेटर हावी रहते हैं और आपको आपका पैसा जीरो होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर सर्किट अपर सर्किट में यहाँ पर खेल चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर सर्किट और फिर इसके बाद यहाँ पर जब लिस्ट आज के दिन हुआ तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर देखिए 8 जून 2020 से सीधे अपर सर्किट, और फिर इसके बाद यहाँ पर जब लिस्ट हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे अच्छा खासा यहाँ पर जंप, और दोबारा ये ऊपर जा सकता है, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है कि आप फंसते हुए नजर आए। बाकी अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस एज वेल एज बात करें फाइनेंशियल एडवाइजर से आप हेल्प कर लीजिए, कोई भी शेयर के बाइंग सेलिंग से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे और आपको ऐसी नॉलेज देते रहे कि आप ऐसे किसी भी माया जाल में ना फंसे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।